पर ये मेरा साम्राज्य है और मैं राज करूंगा। मारो! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राहुल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, हॉलीवुड की मोस्ट रेटेड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 7 दिन हो रहे, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म की शुरुआती 6 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 7वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। मैं आपका दोस्त सुमित के राहुल, तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे बता दूं कि हॉलीवुड की मोस्ट रेटेड फिल्म किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स, जो की एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है बेस बाल ने। दोस्तों, इस में लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं फ्रेया एलन, लिडिया पेकहम, ओवन डिग्यू, केविन डुरांडो। दोस्तों, इस फिल्म को 10 मई को रिलीज किया गया, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 7 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 3 करोड़ 15 लाख रुपए का, पहले वीकेंड से 11 करोड़ 70 लाख रुपए का, चौथे दिन 1 करोड़ 85 लाख रुपए का, पांचवे दिन 1 करोड़ 95 लाख रुपए का, छठे दिन 1 करोड़ 80 लाख रुपए कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआती 6 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 17 करोड़ 30 लाख रुपए का। वही दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 7वें दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 1 करोड़ 70 लाख रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआती 7 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 19 करोड़ रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 23 करोड़ 70 लाख रुपए का। तो दोस्तों, ये थे किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के शुरुआती 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स की जरूरत है कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स के डाई हार्ड फैन, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।